अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अहमद इजाज़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल फिट फाट ठीक ठाक। अच्छा यार, आज मैं और मेरे साथ अब्दुल्ला हम आए हुए हैं एक जगह नाश्ता करने। नाश्ता क्या है कि बड़े कुछ मज़ेदार लच्छे वाले पराठे हैं, कुछ चाय है, कोई आमलेट के साथ चने, और बड़े कोई सुना है कि बड़े ज़बरदस्त पराठे हैं, बड़े क्रिस्पी किस्म के। मतलब आप देखते ही आप कहते हैं कि यार मैंने इसे खाना है, कि आपको वैसे ही प्यार हो जाता है पराठों के साथ ही। और इसकी मेकिंग बड़ी ज़बरदस्त है। तो खाने से पहले एक चीज़ करेंगे कि हम इसकी मेकिंग देखेंगे, पराठा बनता कैसे, क्योंकि अगर आप इसे बनता देख लेंगे ना, उसके बाद आपने कहना है कि भाई ये मस्ट है, खाना मस्ट है। लेकिन उससे भी पहले के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो करो, पहले इसकी मेकिंग देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या सीन है। अच्छा यार, ये नाश्ता आ गया, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसे खा के टेस्ट करते हैं कि ये कैसे का है। अच्छा यार, ऑनेस्टली बताऊँ तो इनका जो आमलेट था ना वो अच्छा था, ठीक था। लेकिन यार जो इनके चने थे ना, वैसे तो वो ठीक थे, लेकिन उनमें ना थोड़ा नमक ज़्यादा था, तो इस वजह से जो इनके चने थे ना वो ज़्यादा मज़ा नहीं थे करवा रहे। अब ये भी होता है कि यार कभी गलती से भी नमक ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से हो सकता है कि ये भी हो सीन। लेकिन रो जो इनके पराठे थे ना, असल गेम इनके पराठे उठा रहे थे, तो पराठे इनके हाईली रिकमेंडेड हैं, वो ज़रूर ट्राई करने। अच्छा यार, इनके चाय में पराठे डिप करके ज़रूर खाना, ये तुम्हें बहुत मज़ा करवाएगा। और बाय द वे यार, इनकी चाय भी बहुत मज़े की थी। अच्छा यार, अगर मैं आप लोगों को लोकेशन गाइड करूँ तो ये फैसलाबाद में कोतवाली रोड पे धोबीघाट ग्राउंड के बिल्कुल सामने है क्वेटा दरबार कैफ़े। तो अगर कभी पराठा वगैरह खाने का मूड हो तो यहाँ से ट्राई कर लेना। ओवरऑल देखा जाए तो इनका अच्छा ही होता है सब कुछ। तो अगर यार इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट ऐसे की वीडियोस बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।